कोरोना काल में जहां लोगों की आय के संसाधन सीमित हो रहे हैं, तो वहीं बढ़ती महंगाई लोगों के लिए एक अलग परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में लोग चाहकर भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। तेल हो या मसाले, दाल हो या फिर चीनी चाय पत्ती, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी की इन समस्याओं को लेकर देवभूमि इनसाइडर की टीम ने देहरादून स्थित हनुमान चौक के बाजारों और किरानों की दुकानों में जाकर आम जनता से बढ़ती महंगाई को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही टीम ने दुकानदारों से भी यह जानने की कोशिश करी कि बढ़ती महंगाई से उनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है। आइए देखते हैं बढ़ती महंगाई से आम जनता को क्या खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दौर था जब हम कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आज का दौर है जब हम कहेंगे संडे हो या मंडे रोज खाओ महंगाई के डंडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर, मैं आपके साथ आयुष चौधरी। आज हम आए हनुमान चौक पर है, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उनका उनके आम बजट पर क्या असर पड़ा है। 10-20% हर चीज़ पे पैसे बढ़े हैं, चाहे चने हो या फिर छोले हो, दाल हो या फिर मसाले हो, तो काफ़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं चाहे व्यापारी हो। अब आम लोगों से बात करेंगे कि उनके बजट पर क्या असर पड़ा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो किस किस रेट पर, जैसे आपकी ये दुकान है, दालों के रेट हैं, तेल के रेट हैं, तो क्या असर पड़ा है आपके व्यापार पर भी और जो ग्राहक आते हैं? ग्राहक आते हैं यही कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, हाँ। और आटा पहले 220 का था, अब 240 का हो गया। पहले तो लोग जो थे गेहूँ खरीदते थे उसको पिसवाते थे, अब सीधे आटा खरीदते हैं। सीधा आटा खरीदते हैं, तो पहले 220 का था, अब 240 का हो गया। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनीश सिंघल है। हनीश सिंघल, आप बताएंगे ये महंगाई जो बढ़ी है इस पर आपकी दुकान पर आपके व्यापार पर क्या असर पड़ा है? थोड़ा सा बस काम थोड़ा सा डाउन है। जो बंदा 10 किलो ले जाने वाला था वो 4-5 किलो ले आ रहा है बस, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। खास अब रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। तो ये जो महंगाई बढ़ी है पिछले 6 महीनों में बढ़ी है, तो या फिर धीरे धीरे पहले से बढ़ती आ रही है? देखिए, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ना तो हर बार लगा रहता है, और हमने तो दालें 150-200 भी बेची हैं और अभी लगभग 100 के आसपास है लगभग सारी दालें। कुछ दालें हैं जो 100 से नीचे हैं। एक तरफ लोग जहाँ पे कोरोना महामारी से परेशान है, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार से परेशान है। आपके पास आते होंगे, आपसे बोलते होंगे इतनी महंगाई बढ़ा दी, वो तो आपको बोलते हैं, उन्हें नहीं पता महंगाई कहाँ से बढ़ रही है, और वो तो आपसे कहते हैं इतनी महंगी कर दी, तो आप उनको कैसे संभालते हो? इतनी महंगाई, कितनी महंगाई बढ़ेगी भाई, 2-4 रुपये किलो ऊपर नीचे चलता रहता है। इतनी महंगाई बढ़ी है, इससे ज़्यादा तो महंगाई नहीं बढ़ी। आपका नाम क्या है? आशा गुप्ता। अच्छा जी, आप बताएंगे कि आपके बजट पर इस महंगाई से क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, हर चीज़ महंगी है, हर आम आदमी सब परेशान है। आम आदमी परेशान है, आपके बजट में जैसे किस चीज़ पर ज़्यादा असर पड़ा है? रिफाइंड हो गया, दालें होगी, ये सब चीज़ें, पेट्रोल है कितना महंगा है, रसोई का बजट सब बिगड़ चुका है। तो पहले आपके 100 रुपये में कितनी सब्जी आती थी, आज उस 100 रुपये में कितनी सब्जी आ जाती है? अब 100 रुपये में एक सब्जी आएगी, और पहले 100 रुपये में 5 सब्जी आती थी। क्या नाम है आपका? जीतू। जीतू जी, तो आप बताएंगे कि चाय बनाते हैं आप, तो इसमें दूध भी महंगा हुआ है? दूध भी महंगा हुआ है सर, इसीलिए मैंने कप छोटे कर दिए, और ग्राहक हमसे लड़ रहे हैं। ग्राहक आपसे लड़ते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं ग्राहक? कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कप छोटे क्यों कर दिए? अच्छा। हमने बोला कि दूध महंगा हो गया। दूध महंगा हुआ है, चीनी हाँ जी, चीनी महंगी हुई है, चाय पत्ती भी महंगी हुई है, हर चीज़ का। दाल ले लो, चीनी ले लो, गैस ले लो, हर एक चीज़ के ऊपर महंगाई। आम आदमी सारा ही परेशान है। सरकार कुछ बोलते नहीं, सरकार तो जिसको कंप्लेंट करते हो कुछ करते, हाँ, बस ऐसे ही टाल देते हैं। कैमरामैन अतुल भट्ट के साथ मैं आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। उत्तराखंड की खबर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें देवभूमि इनसाइडर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को।